अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है वो फिनिशिंग का है। तो इस ड्राइंग का जो मेन जो है वो फिनिशिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले फ्लोरिंग और सीलिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम पेंट के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके नंबर्स चेंज कर लेंगे। नंबर चेंज करने के लिए पेज यहाँ पर रीनेम करेंगे हम, ठीक है। इनको हम रीनेम कर देंगे 3001 A101 A102 A103 A104 A105 A106, ठीक है। तो ये हमने इनको रीनेम कर लिया। सबसे पहले हम फ्लोरिंग देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोरिंग के लिए जो हमारे पास है वो ये प्लान है, जिसके ऊपर उसने लिखा हुआ है कि फिनिश प्लान स्केड्यूल। तो यहाँ पर देखो तो इसने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर उसने सारी डिटेल लिखी हुई है और नीचे इसने बताया भी हुआ है इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये किस चीज़ को शो कर रहा है, रूम नंबर को शो कर रहा है। यहाँ पर ये क्या बताएगा, फ्लोरिंग को बताएगा। और यहाँ पर ये फ्लोर बेस को, वॉल बेस को बताएगा। और यहाँ पर ये पेंटिंग का है जो कि हम बाद में करेंगे। तो पहले हम फ्लोरिंग को करेंगे। तो फ्लोरिंग के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर T5 यूज़ हो रही है, यहाँ पर C1 यूज़ हो रही है। और ये उसने बताया भी हुआ है कि C1 क्या है, T1 क्या है। यहाँ पर नीचे टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि T1 क्या है। T1 यहाँ पर देखें तो ये पॉलीसिलिन टाइल है और C1 जो है वो कारपेट है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे फिनिशिंग का। ओके, अब इसके अंदर हम फोल्डर बनाएंगे फ्लोरिंग का। पहले हम फ्लोरिंग करेंगे और स्केल करने के लिए यहाँ पर उसने नीचे स्केल दिया हुआ है, 1/4 = 1 feet। स्केल में जाके 1/4 = 1 feet कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये C1 जो कि कारपेट है, फ्लोरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। और भी जो है वो ये बेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दूँगा यहाँ पर C1 देन ओके। और मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दूंगा। अब C1 बस इधर ही है, यहाँ पर तो ये VP1 है और C1 इधर है। यहाँ भी C1 नहीं है।
इसमें से हमने ये दीवार इसलिए डिटेक्ट नहीं की क्योंकि ये दीवार नहीं है, ये यहाँ पे ग्लास यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से ये डिटेक्ट नहीं किया, सिर्फ हमने वॉल से डिटेक्ट करनी है क्योंकि ये डोर्स वगैरह और विंडोज वगैरह और ये चीज़ें जो सी हैं ये बाद में लगेंगी, पहले फ्लोरिंग होगी। तो यहाँ पर भी यही आ रही है ये। तो ये हमारी कारपेट फ्लोरिंग हो गई। अब कारपेट फ्लोरिंग के बाद ये VP1 आएगा। अब VP1 भी उसने बताया हुआ है। VP1 क्या है? ये VP1 हमारी वाइनाइल प्लैंक्स है, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ है कि वाइनाइल प्लैंक्स कितने बाई कितने के हैं। ये देखें 4 इंच बाई 36 इंच के ये वाइनाइल प्लैंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे दोबारा एरिया मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे VP1। अब हम ये मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ्लोरिंग होगी हमारी। इसके बाद हमारी ये वॉशरूम की रहती है, ठीक है। वुमेन रेस्ट रूम है ये मेंज रेस्ट रूम है, उसके अलावा ये वॉशरूम है, ठीक है। तो इनकी रहती है। यहाँ पर देखें तो क्या यूज़ हो रहा है, T5 भी टाइल है। तो हम दोबारा यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे T5। यहाँ पर देखें तो T4 यूज हो रहा है। यहाँ पे हम T4 सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी फ्लोरिंग जो सी है वो हो गई। अब यहाँ पर वॉल बेस रहती है, ठीक है। वॉल बेस यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, VB1 है। तो हम यहाँ पर लीनियर फिट काउंट करेंगे, लीनियर फिट लेंगे। तो क्योंकि जो वॉल बेस होती है वो लीनियर फिट में ही काउंट होती है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे VB1। और वॉल बेस जोन सी है वो जहाँ पे विंडोज आ रही होंगी वहां पर तो वॉल बेस आएगी क्योंकि विंडो जोन सी है वो ऊपर होती है, लेकिन जहाँ पर डोर्स आ रहे होंगे डोर्स इसमें काउंट नहीं होंगे, डोर्स को डिटेक्ट कर देंगे बीच में से। हम यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं।
यहां पे हम इसको एंड कर देंगे, फिर दोबारा हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हम बाकी सारी वॉल बेस भी लगाएंगे। तो यहां पर कौन सी वॉल बेस यूज हो रही है, ये डब्ल्यू बी है, ठीक है। ये डब्ल्यू बी हम देख लेते हैं, यहां पर डब्ल्यू बी क्या है। डब्ल्यू बी यहां पर उसने, ये वुड बेस है, तो हम यहां पर एरिया सॉरी एरिया नहीं सिलेक्ट करना, हमने लीनियर फिट सिलेक्ट करना है। और यहां पे हम इसको नाम देंगे डब्ल्यू बी वन का। तो ये हमारी डब्ल्यू बी वन हो गई, तो बाकी सारी साइडों पर भी ये डब्ल्यू बी वन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी वन लगानी है हमने, दोबारा एन प्रेस करेंगे तो वही कंटिन्यू हो जाएगी हमारी। देन यहाँ पर डब्ल्यू बी वन लग गई, यहाँ पर नहीं लगी है। हमारी कौन सी साइड रहती है, ये वाली रहती है। यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है, वी बी वन यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ भी वी बी वन है, यहाँ भी वी बी वन है, ये भी वी बी वन है, लेकिन ये डब्ल्यू बी वन थी इसलिए हमने ये वाली लगा ली। अब हम यहाँ पर वी बी वन लगाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये तो सारा का सारा शीशे का है, ठीक है। तो ये ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास के ऊपर तो वॉल बेस नहीं आएगी, तो इसलिए हम सिर्फ इसकी दीवारों के ऊपर जो है वो वॉल बेस लगाएंगे।
ये मेरी सारी वॉल बेस होगी सिवाय वुमेन रेस्ट रूम के और बाथरूम के, तो इनके लिए हम सेपरेट लेंगे जो कि यहाँ पर T5 लिखी हुई है। तो लीनियर फिट में हम यहाँ पर T5 लेंगे। अब और यहाँ पर T4 यूज़ होगा। तो ये हमारी सारी फ्लोरिंग हो गई है, अब सिर्फ ट्रांजिशन रह गई है। ट्रांजिशन क्या होती है, जहाँ पर भी फ्लोरिंग चेंज हो रही होती है वहाँ पर हम ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर लीनियर फिट में लेंगे ट्रांजिशन, और जहाँ जहाँ फ्लोरिंग चेंज हो रही है वहाँ वहाँ हम ट्रांजिशन प्रोवाइड कर देंगे। देन ये हमारी फ्लोरिंग कंप्लीट हो गई है।